सहारा न्यूज को लेकर लगातार खबरें जारी हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी है मैं आपको बताना चाहूंगा। इससे पहले भी आप लोग मेरे चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर लेना और सीधा चलते हैं वीडियो को शुरू करते हुए दिखाते हैं। देखिए सहारा इंडिया रिफंड, सहारा इंडिया की अब तक की सबसे बड़ी खबर, पैसे मिलना हुआ शुरू, जल्द इस फार्म को भर ले। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए सहारा सुप्रीत राय उनके कई बड़े अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी की वारंट जारी। बिहार के कोर्ट ने सुप्रीत राय और उनके बड़े भाई अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी बिहार के कोर्ट ने किया या बड़ा कदम उठाया। उसके बाद मैं आपको नीचे तो दिखाता हूँ, देखिए सहारा इंडिया में 12 करोड़ से ज्यादा लोगों का पैसा फंसा हुआ है और 12 लाख कर्मचारियों का पैसा भुगतान नहीं किया गया है सहारा इंडिया ने। उसके बाद देखिए सहारा इंडिया रिफंड, सहारा इंडिया के मनी को लेकर लोग हताश हैं और मनी को प्राप्त करने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। आपको बता दें कि लोगों ने अपने पाई जमा करके सहारा इंडिया में निवेश किया था। तो आपको बता दें कि 12 करोड़ से ज्यादा लोगों के मनी सहारा इंडिया में फंसे हुए हैं जो कि मिल नहीं पा रहे हैं और अब वह अपने मनी को निकालने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि ताजा खबरें के लिए टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, जल्द ही सरकार आपकी मदद करेगी मनी दिलाने के लिए। जितने भी लोगों का पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है बहुत जल्द मिलने वाला है। सरकार भी चाह रही है लोगों का पैसा जल्द से जल्द 2023 में सभी का भुगतान हो जाए, तो सरकार भी सक्रिय हो गई है, आपका पैसा बहुत जल्द मिलेगा। इसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो भुगतान होगा वो सहारा की ऑफिस से ही होगा, यानी बेशक सीआरसी के पास से पैसा गया है लेकिन जो भुगतान होगा वो सीआरसी के माध्यम से ही होगा। लेकिन दोस्तों सहारा के ऑफिस से ही पूरा भुगतान होगा ऐसा अपडेट में आ रहा है। जो भी अपडेट में आ रहा है तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, ये हमें जानकारी इंटरनेट और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिली है। तो जो भी है मैंने आपको बता दिया है। चलते हैं, अगले भी मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।